हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माही गार्डन। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज दिखा रही हूँ जो ये किचन वेस्ट हमारा होता है, तो इससे हम खाद कैसे बनाएं, कंपोस्ट कैसे बनाएं अपने प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले आप एक पॉट ले लीजिए, और या आप ऐसे मतलब ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, मिट्टी के पॉट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप ऐसा एक प्लास्टिक का पॉट ले लीजिए, बड़ा सा, कोई भी बर्तन हो। ये तो एक वो है, बिस्लरी का बोतल है, जो मैंने मतलब यूज़ में नहीं था, वो कट करके तो मैंने ये कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपने पहले इसमें ड्रेनेज नीचे होल बना लेने हैं, जैसे आप पॉट के लिए बनाते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जैसे छिलके हैं, जो भी किचन वेस्ट होता है, कुछ भी छिलके, और ये जो प्लांट की सूखी पत्तियां होती हैं, ये सब, ये तो फ्रेंड्स सबसे नीचे आपने क्या करना है, इसमें सबसे नीचे सॉइल रखनी है। एक आप थोड़ी सी लेयर बना के सॉइल रख दें, उसके बाद ये किचन वेस्ट डाल दें। अगर आपको इसमें स्मेल नहीं चाहिए, अगर आप इसको बिल्कुल वैसे बनाएंगे कि इसमें आप थोड़ा सा दही और छाछ वगैरह डाल के अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, तो फिर बिल्कुल कच्ची जो आप चाह रहे हो कि पूरा ही आप किचन वेस्ट से ही बनाओ, तो वो उसमें स्मेल आ जाती है। अगर आप स्मेल बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो नीचे से आप सॉइल डालिए, मिट्टी डालिए, एक अच्छी सी परत मिट्टी की बना लीजिए, फिर आप किचन वेस्ट डालिए, फिर उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल लीजिए, जो भी मतलब आपको मिट्टी मिट्टी के बाद जो आपका ये गार्डन के जो लीव्स वगैरह होते हैं, सब कुछ। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको बहुत वीडियो में बताया है कि मैं कोई भी बाहर से खरीद के खाद, मैंने अभी तक कंपोस्ट कोई भी यूज़ नहीं किया है, बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ये सिंपल सा मेथड है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप फिर क्या कीजिए, जो ये हो गया है, मतलब जो ये छिलके वगैरह आप किचन वेस्ट डाला है, इसके ऊपर से फिर आपने क्या करना है कि मिट्टी डाल देनी है, इसको फिर ढक के रख देना है, बस ऐसे करके इसको आप ढक के रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, जैसे ये अभी ऊपर खाली है, ये जो पॉट है ये खाली है थोड़ा सा, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसमें बहुत सारा भर के, मतलब इसके ऊपर सॉइल बहुत सारी, एक पूरी अच्छी खासी लेयर बना के, मतलब जैसे कि 5-6 इंच की लेयर बना लीजिए, तो ऊपर इसके जहाँ तक ये आपका मतलब डस्ट ये मतलब ये सॉइल के लिए भर चुका है कंपोस्ट के लिए, उसके बाद आप खाली इसमें मिट्टी भर दीजिए बहुत सारी, मतलब 5-6 इंच उसकी लंबाई होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आप एक कोई भी एक प्लांट ग्रो कर लीजिए, या उसके ऊपर आप मैरीगोल्ड के सीड वगैरह कुछ भी आप डाल दीजिए, तो वो बहुत अच्छा, वो क्या होता है कि नीचे की तरफ से तो वो कंपोस्ट बनते रहेगा और ना स्मेल आएगी, कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। और बिल्कुल अगर आप कच्ची खाद आप चाहोगे कि मैं बहुत सारी खाद बना लूँ, किचन का बिल्कुल वेस्ट डालोगे और उसमें सॉइल कम डालोगे, उसमें वेस्ट इकट्ठा करते जाओगे, जैसे मैंने ऑनलाइन देखा था कि वो 2-3 पॉट होते हैं, तो उनको ऐसे लेयर में रखा जाता है, तो उसमें किचन वेस्ट डाल रहे हैं, और लेकिन वो पानी उसमें बहुत गंदा निकलता है। और कोशिश ये कीजिए फ्रेंड्स कि जो भी आप ये देखिए, ये थोड़ी सी बन चुकी है, वो वाली मैं ऊपर से डाल रही हूँ, ये इसमें सॉइल भी है, ये देखिए, ये कोकोनट का जो होता है, ये नारियल का जो बाहर का छिलका होता है वो वाला है, ये काफ़ी हो गया है डिकम्पोस्ट। तो फ्रेंड्स, अब इसको आप कहीं पर भी ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी जहाँ पर आपका पानी का जाने का, जैसे नाली वगैरह है छत पे, तो बिल्कुल उसके पास रखेंगे, बस आप इसको ऐसे भर के अगर इसके ऊपर से कोई सीड डाल देंगे ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा और प्लांट लगा लीजिए। तो लेकिन आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपने इसके ऊपर प्लांट लगाना है, तो आपने इसमें 5-6 इंच के ऊपर मिट्टी डाल के तभी लगाना है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने ये बिल्कुल भर रखा है, देखिए अभी थोड़ा सा मैंने मिट्टी डाली है, वो तो ढक गया है, तो उसमें इंसेक्ट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। और आपका जो भी आप कहीं आपने ऐसा अच्छा बिल्कुल ख़रीद के बिल्कुल कोई प्लांट लगा दिया इसके ऊपर, तो उसकी जो रूट्स होती है उनको वो इंसेक्ट खा लेते हैं और वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको इसके ऊपर प्लांट लगाना है, आपका कोई बर्तन है वो आप चाहते हो कि उसमें मैं इस पॉट में यूज़ कर लूँ, रीयूज़ कर लूँ, कोई बकेट है टूटा हुआ, तो उसमें अगर आपने प्लांट लगाना है, तो उसमें आपने ऊपर से खूब अच्छी खासी लेयर, मतलब कि 5-6 इंच मोटी लेयर मिट्टी की, सॉइल की लगा के उसके बाद प्लांट लगाना है, क्योंकि जब तक उसकी रूट्स डेवलप होंगी, तो नीचे वाला जो आपका वो होगा, मतलब जो आपने छिलके वगैरह जो किचन वेस्ट डाला होगा, वो तब तक खाद बन चुका होगा, मतलब कंपोस्ट बन गया होगा।
तो फ्रेंड्स देखिए मेरा ये वाला जो प्लांट है इसका हिबिस्कस का, ये बिल्कुल ऐसे ही इसमें नीचे मटर के छिक्कल ये वो डाल के मैंने, जैसे ये कोई भी जो किचन वेस्ट होता है सब डाल के ऊपर से सॉइल डाल के तो ये प्लांट लगाया था। और ये वाला भी ये बकेट में लगा हुआ है, ये मैंने प्लांट आपको और वीडियो में भी शेयर किया हुआ है। तो ये भी मैं मतलब पूरा बकेट मैंने ऐसे ही कचरे से भरा था, जो ये किचन वेस्ट होता है इससे भरा था, उसके ऊपर से मैंने सॉइल की बहुत मोटी मतलब कि 5-6 इंच की लेयर लगाई थी, उसके बाद मैंने प्लांट लगाया था। और फ्रेंड्स मैंने एक गलती करी थी, जब मैंने शुरू में ये कंपोस्ट बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत अच्छे ये लिली एक रेड कलर की होती है जो उसके इसमें बल्ब लगा दिए थे, मैं कहीं से बल्ब लेके आई थी उसके तो लगा दिए थे, और वो बिल्कुल प्लांट बिल्कुल लग ही चुका था। लेकिन क्या हुआ कि ऊपर से तो वो उसमें न्यू ग्रोथ हो गई थी बल्ब में, और नीचे वो बल्ब को मतलब जो इंसेक्ट इसमें थे उन्होंने उसको खा दिया, और मेरा इतना अच्छा वो बिल्कुल वो हुआ ही नहीं मेरे पास दोबारा, वो प्लांट ग्रो ही नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अगर आपको इसके ऊपर प्लांट लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं तो इसके ऊपर और जो छिलके वेस्ट डाल के फिर इसमें सॉइल डाल लीजिए, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और इसको थोड़ी दूर रखें मतलब किसी भी कॉर्नर पर।